नो, आपका क्वेश्चन है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज फुल ऑफ वाटर, इट कंटेंट्स आर एम्प्टीड इन अ राइट सिलेंडर, द इंटरनल रेडियस ऑफ बॉल एंड सिलेंडर आर 3.5 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट टू विच द वॉटर विल राइज इन द सिलेंडर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे क्या है। तो इसने कहा कि एक हेमिस्फेरिकल सिलेंडर है, हेमिस्फेरिकल है, और सेकंड ये कैसा है, फुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको इसने एम्प्टी किया, कहां पर एम्प्टी किया, देखो सिलेंडर के अंदर। ठीक है ना, तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें जो वाटर लेवल की हाइट होगी वो कितनी होगी, तो एच वी डोंट नो, और देखो रेडियस क्या दिया है इसने, उसको ध्यान से पढ़ो। इसने कहा द इंटरनल रेडियस ऑफ बाउल, तो फर्स्ट इज बाउल इज 3.5 सेंटीमीटर, तो दैट मींस फ्रॉम हियर टू हियर, तो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। तो इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, 35/10 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, फिर इसने कहा सिलेंडर, सिलेंडर का कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ आपको क्या करना है, वॉटर कंटेंट्स इन दिस, तो ये तो फुल है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन दिस, दोनों को इक्वल करना है, तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन बाउल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिलेंडर। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल क्या है आपका, देखो हेमिस्फीयर, तो क्या होता है आपका हेमिस्फीयर का, 2/3 πr³, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या है आपका, πr²h, तो हमने लिखा πr²h, बट हियर आपके जो रेडियस हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आपके देखो कटिंग क्या क्या है, ओनली पाई एंड पाई गॉन बस, तो अब आपका बचा 2/3, नाउ आर क्यूब कितना है, 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नाउ आर स्क्वायर कितना है, 7 × 7 इंटू एच। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच आपको यही छोड़ना है, 7 और 7 को नीचे लेकर आएंगे, तो देखो क्या हो रहा है, एच इज इक्वल टू 2 × 35 × 35 × 35 by 3 × 10 × 10 × 10, तो ये हो गया आपका 1000 × 7 × 7। ठीक है ना, तो अगर आप इसको अलग से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 10 × 10 × 10। ठीक है ना, अब हम इसको कटिंग करेंगे, देखो क्या हो रहा है, 7 5 5 2 2 gone। ठीक है ना, तो यहां पर देखो 10 और 35 है, तो 5 और 2,
तो अब ऊपर कितना बच गया देखो, 35 ओनली, तो ऊपर बच गया हमारा 35 और नीचे कितना बच गया, 2 × 3 = 6 × 10, 2 × 3 × 10, तो पहले 2 से कट करो तो आपका आ जाएगा 17.5 / 3 × 10, ठीक है ना। अब 10 से कट करते हैं तो आपका आ जाएगा 1.75, 1.75 / 3, दैट इज इक्वल टू 0.57 and 3, 7, 0.5, 25, दैट मीन्स 8, 8 and 1, दैट मीन्स 3, तो 0.583 सेंटीमीटर इज योर हाइट जो आपका पानी इसमें देगा, ठीक है ना। तो और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका शायद बुक में आंसर ये नहीं होगा दिस वन, ठीक है, तो उसने शायद उसको डिवाइड नहीं किया है ना, तो हम आप डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना आ रहा है, 17.5 / 3 × 10, तो पॉइंट हट गया 0, 1 more 0 ना। अब कट करो तो देखो कितने टाइम्स जा रहा है, 5 से ये आपका जा रहा है 3, 2, 5, 35 और ये जा रहा है आपका 2, 0, ठीक है ना। 35 7 times और ये आपका 4, तो आपका आंसर शायद 7/12 दिया हुआ है सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। लेकिन आपको एग्जाम में ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे।